अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने वाले हैं बारबेक्यू कोन्स, जो कि बहुत ही टेस्टी और मज़े की है खाने में। इसको बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम्स बोनलेस चिकन ले ली है। इसके बड़े बड़े पीस लिए हैं मैंने। हम चिकन को बॉईल करेंगे बट बग़ैर पानी के। सबसे पहले हम मैरिनेट कर लेते हैं। 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। ये टिक्का मसाला लिया है 1 टेबल स्पून। अगर आपके पास टिक्का मसाला नहीं है तो आप तंदूरी मसाला भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून लेमन जूस ऐड कर देंगे। 2 टेबल स्पून दही डालेंगे। सॉल्ट आप टेस्ट करके इसमें ऐड कीजिएगा, क्योंकि रेडीमेड मसाले जब हम यूज़ करते हैं तो उनमें भी सॉल्ट होता है। तो इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट मैंने ऐड कर दिया है। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इसको मैंने मसालों को चिकन में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसमें पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना है। इसको लो फ्लेम पर कवर करके हम कुक करेंगे। चिकन अपना पानी खुद रिलीज़ करेगी और दही का भी पानी छूटेगा, तो उसी से ये कुक हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसको कवर कर देंगे और लो फ्लेम पर पकाएंगे। तो ये देखिए कितना पानी इसमें से रिलीज़ हुआ है। मैंने कोई पानी इसमें ऐड नहीं किया था। चिकन हमारी अच्छी तरह से बॉईल हो चुकी है। ये देखिए स्पून से दबाने पर टूट रही है। तो चिकन जब अच्छी तरह से बॉईल हो जाए, गल जाए, तब इसके पानी को फुल फ्लेम पर सुखा लेंगे, जो ये पानी निकला है। तो ये देखिए सारे पानी को मैंने सुखा लिया है। चिकन ड्राई हो चुकी है। अब इसको पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे और श्रेड कर लेना है। तो चिकन जब ठंडी हो गई तो मैंने उसको इस तरीके से श्रेड कर दिया है। अब हम इसमें कोयले का धुआं देंगे, जिसके लिए आप बटर पेपर ले लें या कोई भी कटोरी ले लें। तो मैंने बटर पेपर रख दिया है, क्योंकि हम बारबेक्यू कोन्स बना रहे हैं तो इसमें कोयले का धुआं देना ज़रूरी है। तो कोयले को जला लिया था मैंने गैस पर। जब वो जल गया अच्छी तरह से, तब मैंने इसको रख दिया है। इस पर थोड़ा ऑयल डाल देंगे और इसको कवर करके 10 मिनट तक हम इसमें कोयले का धुआं दे देंगे। तो ये देखिए कोयले का धुआं इसमें आ चुका है। 10 मिनट बाद मैंने रिमूव कर दिया था कोयले को। अब हम इसमें 1/2 कप ग्रेटेड शेडर चीज़ ऐड कर देंगे। आप कोई भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। 1/2 कप क्रीम चीज़ ऐड कर देंगे। अगर आपके पास क्रीम चीज़ नहीं है तो आप मेयोनेज भी ऐड कर सकते हैं इसमें। वन टेबल स्पून चिली सॉस डालेंगे। चॉप कीवी 1/2 कप मैंने कैप्सिकम ले ली है, इसको डाल देंगे। आप चाहे तो इसमें कॉर्न का भी यूज़ कर सकते हैं। और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाला है। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल बटन को ज़रूर दबाइए। बेल बटन को दबाने से ही आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी दिख पाएगी। और ये बिल्कुल फ्री में होता है, तो ज़रूर आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये देखिए फीलिंग बनकर हो चुकी है। साइड में रख दिया है मैंने। ये मैंने शीट ले ली है, रोल शीट। ये होममेड है, मैंने खुद बनाई है घर पर। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी बनी है। ये मैदे और पानी की स्लरी बनाई है मैंने, जिसमें हम कॉर्न्स को डिप कर देंगे। ब्रेड क्रम्स लिया है और आटा ले लिया है चिपकाने के लिए। तो सबसे पहले हम एक शीट उठा लेंगे। देखिए कितनी अच्छी बनी है। मैंने खुद इसको घर पर बनाया है शीट को, बिल्कुल बाहर जैसी बनकर रेडी हुई है। बल्कि बाहर की तो निकालते वक्त चिपक जाती है, टूट जाती है। ये होममेड और टूटेगी भी नहीं, बहुत अच्छी बनती है। तो इस तरीके से आप कॉर्न की शेप दे दें इसको, और मैदे का जो आटा मैंने बनाया था पानी डालकर, वो हम इस पे लगा देंगे और इससे इसको चिपका देंगे। तो ये देखिए कोन हमारे बनकर रेडी है। अब इसमें हम फिलिंग डाल देंगे और ये इतने मज़े के बनते हैं। जब आप इसको बनाएंगे, खाएंगे, तो आपको ये बहुत ही पसंद आने वाला है। बच्चे भी इसको एंजॉय करेंगे, बड़े भी इसको एंजॉय करेंगे। बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में।
तो इस तरीके से स्पून की मदद से इसके अंदर तक, कोन के अंदर तक चिकन जानी चाहिए, वरना नीचे वाला हिस्सा इसका खाली रह जाएगा। तो आप अच्छे से दबाते हुए फील करिए, अगर आप ज़्यादा फीलिंग भरोगे तो ही आपके कोन का शेप भी अच्छा आएगा और खाने में भी टेस्टी लगेगी। तो फीलिंग को डालने के बाद अब इस तरीके से इसको दोनों साइड से फोल्ड कर देना है और आटा लगाकर इसको चिपका देंगे। ये देखिए इस तरीके से बहुत ही इजी है इसको बनाना। तो इस तरीके से इसको पैक कर ले, इसके ऊपर भी आटा लगा ले, मेक श्योर कि ये खुले ना फ्राई करते वक्त। तो अच्छी तरह से आपने इसको पैक कर देना है। अब सेकेंड वाला भी एक मैं आपको बनाकर बता रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से आप कोन की शेप दे दे और जो आटा हमने बनाया है स्लरी वो लगा देंगे इस पर और इसको चिपका देंगे। अब इसमें फिलिंग को भर देना है जो हमने बनाई है। कोन्स इसी तरह से बनाकर मैंने रेडी कर ली है। 250 ग्राम्स चिकन में 5 कोन्स बनकर रेडी हुए हैं। तो सबसे पहले मैदे और पानी की जो मैंने स्लरी बनाई है उसमें डुबा देंगे इसको और ब्रेड क्रम्स से इसको कोट कर देना है। आप चाहे तो इस स्लरी में अंडा भी डाल सकते हैं एक। तो ये देखिए एक मैंने कोट कर दिया है। अब सेकेंड वाला भी इसी तरह कर लेंगे और सारे इसी तरह हम बनाकर रेडी कर लेंगे। इस वक्त आप इनको फ्रीज भी कर सकते हैं, 1.5-2 महीना आराम से ये रहते हैं फ्रीज़र में, क्योंकि हमने कुक की है फीलिंग को तो वो 1.5-2 महीना आराम से रहती है। अब गरम तेल में एक एक करके कोन्स जो हमने बनाई थी वो सारी डाल देंगे इसमें। मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे ताकि अंदर तक अच्छे से कुक हो जाए। ये देखिए गोल्डन कलर आना शुरू हो चुका है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी कोन्स हमारी बनकर तैयार हो रही है। अब सेकंड साइड पर इसको पलटी कर देंगे और दूसरी तरफ भी गोल्डन कलर आने तक इसको हम फ्राई कर लेना है। तो कोन्स हमारी फ्राई हो चुकी है, इसको हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी और मज़े की हमारी बारबेक्यू चिकन कोन्स बनकर रेडी है। मैं आपको तोड़कर बताती हूँ। ये देखिए काफ़ी चीज़ी और क्रीमी इसकी फीलिंग बनी है। तो अगर व्यूवर्स आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। तो फिर मैं मिलती रहूँगी आपसे इसी तरह से नई नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।